हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुम्बुल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सुम्बुल्स गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी चीज़ जो गर्मियों में तमाम प्लांट्स में डालना बहुत ज़रूरी होती है, और हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें पेस्ट का अटैक होता रहता है। तो उसके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, जैसे आपने मेरी वीडियो देखी होगी नीम ऑयल का, कि नीम ऑयल आप अपने हमेशा तमाम प्लांट्स में करें, लेकिन वो ऑर्गेनिक होता है, वो केमिकल पेस्टिसाइड नहीं है। तो आज जिस मैं पेस्टिसाइड की बात करने वाली हूँ, वो हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पौधे बहुत ख़राब होने लगते हैं, पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है और कंट्रोल में नहीं आता। तो एक ऐसे कीड़े के जो फंगस और कीड़े ऐसे लग जाते हैं जिन्हें केमिकल की ज़रूरत होती है, फिर अगर ऑर्गेनिक फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है वो बहुत स्लो रिलीज़ होता है, वो जल्दी असर नहीं करता। केमिकल जो होता है वो बहुत जल्दी असर करता है, उसका बहुत इंस्टेंट रिज़ल्ट होता है, क्विक रिज़ल्ट होता है, जल्दी आपको उसका नतीजा पता चल जाएगा। आप डालेंगे, दो दिन के अंदर अंदर सारा पेस्ट ख़त्म हो जाएगा। फंगस का भी यही होता है। अब डिपेंड करता है कितना लगा है फंगस और कितना आपका नुकसान हुआ है पौधे में, लेकिन केमिकल से आपका पौधा बच जाता है, ऑर्गेनिक से बचने में फिर बहुत टाइम लगता है। वैसे तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ ऑर्गेनिक ही डालें, मैं भी डालती हूँ पूरे साल, लेकिन साल में यानी 6 महीने में एक दफ़ा तमाम पौधों को, आपको भी कहूँगी और ख़ुद भी मैं ऐसे ही करती हूँ, केमिकल ज़रूर डालती हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, वो ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर वो हमारे प्लांट्स ख़राब होने लगते हैं और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। आपको जो भी लेना हो एग्रीकल्चर से शॉप से ले सकते हैं, आप गार्डन शॉप से ले सकते हैं, ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैंने कई दफ़ा इसको डाला भी है, और ऐसी 2 शीशियाँ मेरे पास मौजूद हैं। एक ये आपको दिखा रही हूँ, सील्ड है, अंदर पैक है, और एक ये मेरे भाली ने ला के दी थी, ये भी मैंने अभी यूज़ नहीं की है, ये भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये भी मैंने किसी ज़माने में बहुत यूज़ किया है, तो ये अभी मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है, रखा हुआ है ऐसे ही आपको दिखाने के लिए, किस तरह के आप ये गार्डन शॉप से आपको मिल जाएंगे, और ये आपको मिल जाएंगे एग्रीकल्चर शॉप है वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये जो पेस्ट होते हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, ये बार दफ़ा ऑर्गेनिक से, जैसे मैंने बताया, नहीं जाते। तो हर वक्त आपके घर में ये मौजूद होना चाहिए, केमिकल पेस्टिसाइड, कि कभी भी खुदा ना खास्ता आपका पौधा बहुत खूबसूरत है, अच्छा है, चाहे वो फलों का हो, फूलों का हो, ऑर्नामेंटल प्लांट किसी भी तरह का हो, गुलाब का हो, जैस्मीन हो, चमेली हो, सब में लगेंगे, और अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी सब में आपका पेस्ट अटैक होगा। तो इसलिए प्लीज़ ये इसको ला के रखें, और कभी कभी इसका इस्तेमाल करना है, जब ज़रूरत पड़े तो आपके घर में होगा तभी तो करेंगे, वरना बार दफ़ा ये होता है हम जा नहीं पाते और हमारे पास चीज़ रखी होती है तो फिर जल्दी से डाल लेते हैं, है ना। तो इसको डालने का तरीका भी बहुत आसान है, वही हमेशा की तरह, 1 लीटर पानी में आपने 1 चाय की चमची, 1 लीटर पानी में 1 चाय की चमची, ठीक है, ये आपने इसको डालना है। बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा प्लीज़, ऐसी जगह पे इसको स्टोर में रखना है जहाँ कभी आपका जाना बहुत ही कम होता हो 6 महीने में, और गैस की जहाँ जगहें वगैरह होती हैं, जहाँ केमिकल्स और रखें वहाँ मत रखें इसको, ज़रा एहतियात कीजिएगा, ठीक है। अब जब आप इसको डालने का सोचें तो ग्लव्स ज़रूर पहने, मास्क ज़रूर पहने, और चश्मा आपने ज़रूर लगाना है जिससे पूरी फुल कवर्ड हो जाए आपकी आईज, ठीक है ना, क्योंकि इसकी बदबू भी बहुत होती है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है, केमिकल ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल अब मजबूरी है तो हमें डालना ही पड़ता है, अब हम क्या करें। तो इसके अलावा बस यही कुछ आपको बताना है, फंगस जैसे ब्लाइट है, माइल्ड्यू है, मोल्ड है, रस्ट है, ये सारे फंगस होते हैं जो इसमें लग जाते हैं, तो फिर ये इस पेस्ट से, ये बहुत अच्छा पेस्ट है, बेहतरीन पेस्ट का ये पेस्टिसाइड है, तो ये आप जाइए ये लें आप, और ये अपने तमाम पौधों के लिए आप एहतियातन रखें, घर में जब ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं। बाकी बस जैसे ये स्नेल हैं, स्लग्स हैं उसमें, या ये जो माइट्स होती है ना कीड़ा, माइट्स के लिए भी अच्छा है, वो अंडे वगैरह को ख़त्म कर देता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है ये गार्डन वालों का, और लॉन वगैरह में भी आप डाल सकते हैं। तो बस यही मुझे आपको बताना था कि आप इसको इवनिंग में डालें, शाम में 1 लीटर पानी में 1 चाय का चमचा, ठीक है, डाइल्यूट कर लें अच्छी तरह से, उसको हल कर लें पानी में खूब, और आराम से आप इसको डालें, लेकिन ये आप बस 6 महीने में डालें एक दफ़ा, ज़्यादा डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये हिबिस्कस का प्लांट है, गुलाब के प्लांट्स हैं, मोतिया है, फ्रूट्स हैं, उसमें तो ये केमिकल आपको ज़रूर डालने की ज़रूरत पड़ती है, मगर मैं डालती नहीं हूँ, मैं इस तरह डालती हूँ कि हर 6 महीने में डाल दिया, कभी 7 महीने में,
या जैसे डेलिया जो था लास्ट ईयर मेरा बहुत खराब हो गया था, तो उसमें मैंने ये डाला, तो डालते ही उसने ऐसा जबरदस्त उसका रिजल्ट आया, फौरन ही उसने असर कर दिया था। तो ये एक ज़रूरी होता है, केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ये ज़रूर अपने घर में रखा करें, लेकिन एहतियात से, जैसे मैंने बताया, बच्चों की पहुँच से दूर रखें, जहाँ हर वक्त बच्चों का आना जाना ना हो, किचन में ना रखें इसको, चूल्हे वगैरह की साइड पे ना रखें, जब आग जला रहे हों तब ये मौजूद वहाँ नहीं होना चाहिए। एहतियात करनी है आपने, ठीक है, ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है, चश्मा पहनना है, और एहतियात के साथ डालें, इसकी बदबू बहुत होती है, वैसे सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता ये, लेकिन इसको आप लाइए, ये बहुत अच्छा है। जब भी आपका पौधा ख़राब होने लगे तो आप इसको कोशिश करें कि ऑर्गेनिक से कंट्रोल करें, लेकिन अगर ऑर्गेनिक से कंट्रोल नहीं होता तो फिर आपने इसको यूज़ करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने आपको कुछ केमिकल के बारे में बताया है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट कीजिए कुछ जानना चाहते हैं, और अपना ख्याल रखिए, अपने पौधों का ख्याल रखिए। चलिए फिर मैं चलती हूँ, नई किसी वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।